आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन व्हिच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट। For one position of lens, the magnification of the image on the screen is m1. When the lens is moved by a distance d, the magnification of image obtained on the same screen is m2. Find the focal length of the lens. तो अब हमें दिया गया है कि एक लेंस है, उसको अगर जैसे कि हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये उसकी एक्सिस मान ले हम, और इधर एक स्क्रीन है हमारे पास, उसको स्क्रीन बोल देते हैं, और ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ ऑब्जेक्ट। तो अगर इधर से उसकी इमेज बनी है स्क्रीन पे, तो वो अगर ये पोजीशन वन है तो इमेज की जो एम वन मैग्निफिकेशन है वो एम वन है, और अब लेंस को मूव करा दिया गया है डिस्टेंस स्मॉल डी से ऊपर बोला, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये पोजीशन टू से जो इमेज बन रही है वो भी सेम स्क्रीन पे ही बन रही है, पर उसका मैग्निफिकेशन m2 है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो डिस्टेंस है O से लेके स्क्रीन तक की वो कैपिटल D है। अब हमें पता है कि जैसे अगर एक ही ऑब्जेक्ट की दो दो लेंस की पोजीशन पे इमेज सेम स्क्रीन पे आती है, तो एक्चुअली ये कॉन्जुगेट फोकाई का केस है, कॉन्जुगेट फोकाइज। तो एक्चुअली इसमें V और U की वैल्यू इंटरचेंज हो जा रही है। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू U है, तो ये वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली V हो गई। तो हमें इस इक्वेशन में पता चल रहा है जो कैपिटल D लिया है हमने, उसकी वैल्यू U प्लस V के बराबर है, और जब पोजीशन टू पे आ जाएगा तो जो ये वैल्यू है वो कैपिटल वो वी हो जाएगी और ये वैल्यू यू हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्जुगेट फोकाई वाला केस है। तो इसमें देख सकते हैं वी माइनस यू है वो डी हो जाएगा हमारा, तो हम देख सकते हैं स्मॉल डी हो जाएगा, उसको स्मॉल डी को वी माइनस यू बोल देंगे। तो अगर हम एम वन देखें, एम वन होता है वी बाई यू, तो वो एम वन हो जाएगा। अगर इधर से देखें तो V की वैल्यू हम दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाई 2 अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2, जो कि हो जाएगा D प्लस d अपॉन d माइनस d। ये M1 की वैल्यू हो गई। तो जो M2 की वैल्यू होगी वो U बाई V हो जाएगी इस केस में, क्योंकि जो हमारा जो बाद में दूसरे वाले पोजीशन में जो इमेज की डिस्टेंस है लेंस से वो यू है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है लेंस से वो वी है। तो जो दूसरे केस में एम टू होगा वो यू बाई वी हो जाएगा, जो कि डी माइनस डी अपॉन डी प्लस डी हो जाएगा। और अगर हम एम वन माइनस एम टू निकाले, हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो एम वन माइनस एम टू आ जाएगा हमारा d प्लस d अपॉन d माइनस d माइनस ऑफ d माइनस d अपॉन d प्लस d। तो इधर से हम देख सकते हैं कि अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो m1 माइनस m2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 कैपिटल D इंटू स्मॉल d अपॉन d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। अब हमें जैसे u और v की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D और स्मॉल d, और अगर हम अपना लेंस फार्मूला लगाए कि लेंस इक्वेशन लगाए, तो लेंस इक्वेशन में देख सकते हैं 1 अपॉन एफ है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और वी की वैल्यू हमारे पास इधर हम लिखी देते हैं, वी की वैल्यू हमारे पास डी प्लस डी अपॉन 2 और यू की वैल्यू है डी माइनस डी अपॉन 2। तो अगर इसको हम पुट करते हैं और एफ की वैल्यू निकालते हैं, तो ये f आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं, 1 अपॉन v की वैल्यू हो जाएगी d प्लस d बाई 2 माइनस 1 अपॉन d माइनस d बाई 2। और अगर साइन कन्वेंशन के साथ जाए तो ये जो u की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में लेनी पड़ेगी हमें, साइन कन्वेंशन से देखिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से।
तो जो फाइनली इधर से जो f की वैल्यू निकल के आएगी वो 1/f ही पहले देख लेते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2/d + d + 2/d - d। तो इधर से आ जाता है हमारा f की वैल्यू ओवरऑल 4d / d² - d². ये आ जाती है हमारी कैपिटल F की वैल्यू। और अगर हम m1 - m2 को देखें तो वो एक्चुअली 4d / d² - d² का टर्म कंटेन करता है, तो ये F इंटू डी बन जाएगा। तो इसका मतलब है m1 - m2 इज इक्वल टू F इंटू स्मॉल डी, जिससे हमारे F की वैल्यू निकल के आती है सिंपली, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है वो f की नहीं, वो 1/f की है, 1/f की वैल्यू 4d / d है। तो एक्चुअली f एक्सप्रेशन में ये d/f बनेगा, ना कि f × d। तो इधर से हमारे f की वैल्यू सिंपली आ जाती है d/m1 - m2। इधर हम रिजल्ट लिख देते हैं, जो हमारा आया है f आया है d/m1 - m2, जहाँ पे m1 जो है वो पहली पोजीशन पे जब हमारी इमेज थी तब का मैग्निफिकेशन है जब इधर थी, और m2 जो है वो इधर थी जब इमेज उसका मैग्निफिकेशन। तो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।